जिन लोग को लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं है उन लोग के लिए तो आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ मैं। बिना लहसुन प्याज डाले बगैर ही हम एकदम शाही पनीर टाइप पनीर की सब्जी बना के दिखाऊंगी आप लोग को मैं आज। एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। एक बार अगर इसको बना के खा लिया तो बार बार बना के खाओगे। हाय एवरीवन, माताओं को मेरा प्रणाम, बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए बिना लहसुन प्याज वाली पनीर की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिए एवं चैनल में नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, पनीर की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पनीर को इस तरीके से कट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग पनीर को कट कर सकते हैं, छोटे बड़े साइज जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के टमाटर और फल्ली के दाने। फल्ली के दाने को छिलके मैंने पहले से ही उतार के रख लिए हैं। अब हमें इसका एकदम चिकना पेस्ट बनाना होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको भी पेस्ट बनाने हैं। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डाल दीजिए तेल। तेल डालने के बाद उसमें आप डालिए जीरा सरसों। जीरा सरसों जब अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें डालिए 2 मीठी लकड़ी और ये कुछ तेज पत्ते। जब ये अच्छे से भुना जाए तो जो हमने टमाटर और फल्ली का पेस्ट तैयार किया था उसको डाल दीजिए। डालकर अच्छे से मिला लीजिए। पेस्ट हमारा डल चुका है। इसके बाद हमें इसको 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है जिससे इसका थोड़ा पानी एब्जर्ब हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डाल दीजिए मिर्च पाउडर। सबको डालकर अच्छे से मिला लीजिए और गैस का फ्लेम लो करके इसके ऑयल रिलीज होने तक पकाएं। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास टाइप पानी। पानी को डालकर अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद गैस का फ्लेम हाई करके इसको उबाल आने दीजिए। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए इसमें आप ऐड कर दीजिए जो पनीर हमने काट के रखा था उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई करके भी डाल सकते हो। पनीर डल जाए तो कढ़ाई का ढक्कन बंद कर दीजिए और 2-3 मिनट के लिए इसको पका लीजिए। 2-3 मिनट हो चुके हैं, पनीर भी हमारा अच्छे से पक चुका होगा। अब आप इसमें ऐड करिए धनिया पत्ती, इसको मैंने पहले ही काट के रख लिया था। इसको डालकर अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें पनीर मसाला ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिना लहसुन प्याज के ही हमारी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर रेडी है। कितने अच्छे से ग्रेवी बनी है, कितने यम्मी लग रहे हैं, देखने से ही एकदम मुंह में पानी आ रहा है। जिन लोग लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी सब्जी है। साथ में जिन लोग खाते भी हैं उन लोग भी एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर रेडी होती है। साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड। धन्यवाद।